नरकटियागंज जंक्शन से 205 जिंदा कछुआ बरामद, सत्याग्रह एक्सप्रेस से हो रही थी तस्करी। नमस्कार, रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की नरकटियागंज स्टेशन पर जीआरपी ने जिंदा कछुओं की बरामदगी लावारिस हालत में की है। पुलिस ने सर्च अभियान के दरमियान 3 तकिए के कवर में रखे 205 जिंदा कछुए जब्त किए। पुलिस ने सभी कछुओं को वन विभाग के हवाले कर दिया। नरकटियागंज जंक्शन पर डाउन सत्याग्रह एक्सप्रेस में रेल पुलिस ने सघन छापेमारी की। इस दरमियान शौचालय के समीप बैग में रखे तकिए की जांच की गई तो भारी मात्रा में कछुआ से भरा बैग बरामद किया गया। तकिए की खोल से 205 जिंदा कछुए की बरामदगी हुई। हालांकि इस मामले में किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर ट्रेन में तलाशी ली गई। इस दरमियान लवारिस हालत में बरामद सभी बैग के संबंध में आसपास बैठे यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने स्वामित्व नहीं स्वीकार किया, जिसके बाद बैग को ट्रेन से उतार कर रेल थाना लाया गया। बरामद किए गए सभी कछुए को वन विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया। हम लोग अभी शराबबंदी को लेकर के पूरा सघन छापेमारी कर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में रिकवरी कर रहे हैं। इसी दौरान एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ कछुआ हमारे तरफ से जा रहा है, मतलब हमारी ट्रेन हमारी रूट से। तो इसके लिए हम लोग विशेष टीम बनाए, हमारे सर इंस्पेक्टर साहब के सिंह हैं, उनके निर्देशन से ये किया गया और विशेष टीम बनाया गया। विशेष टीम में जब रेड छापेमारी की गई सत्याग्रह डाउन ट्रेन में, तो उसमें S1 बोगी के पास लावारिस हालत में तीन तकिया के खोल में रखा हुआ जो है बरामद किया गया कछुआ, जो कि कछुआ का गिनती किया गया उसमें 205 कछुआ प्राप्त हुआ। हालांकि तस्कर को हम लोग खोज रहे हैं, तस्कर फरार पाए गए हैं। अभी लगातार सघन छापेमारी की जा रही है, जो भी इस तरह के अनवांटेड एक्टिविटी वाले हैं, शरारती तत्व जो भी हैं, असामाजिक तत्व हैं, उस पर विशेष निगरानी जा रही है और जल्द ही सबको जो है ना सबक सिखाते हुए जेल के अंदर उसको भेजा जाएगा। आगे क्या किया गया? आगे किया गया, इसे वन विभाग को बुलाया गया और वन विभाग को सुपुर्द किया गया। वो अब तक का भी वन विभाग वाले हमारे टीम में आए हैं, धीरेन्द्र कुमार ठाकुर जो कि वन विभाग से आए मंगलवार से वो आए, उन्हें सौंपा गया। यूएफटी लाइव के लिए संवाददाता डीएन शुक्ला की रिपोर्ट।